हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस्कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं बैगना चना या फिर ब्रिंजल फ्राई। ये रेसिपी मैंने अपनी बड़ी जेठानी से सीखा था, सो दिस यमी रेसिपी इज डेडिकेटेड टू हर। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने ब्रिंजल को ऐसे कट कर दिया है, पर्पल कलर का लिया है मैंने, थोड़ा सीड कम है इसमें, और उसके साथ ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और ऑयल डीप फ्राई के लिए। और ब्रिंजल को देखिए मैंने ऐसे पानी में रखा है ताकि वो काला ना पड़े, जैसे हम लोग आलू को रखते हैं। ये भी मेरी जेठानी का टिप है। मैंने सारे बैंगन को पानी से निकाल दिया है और एक ऐसे कपड़े में रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। और इसी बीच हम लोग तेल फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने इतने विड्थ में इसको कट किया है। ज्यादा अगर आप पतला कट करेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी टाइप का हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से पूरा सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब इसको एक एक करके हम लोग डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। एक बार हम लोग ओडिशा रिटर्न कर रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे, तो मेरी जेठानी ने लंच मेनू भेजा था, तो उसमें ये डिश था। ठंडा में भी इतना टेस्टी लग रहा था। और जब मैंने पूछा जेठानी से कैसे बनाया है, मुझे पता चला रही यार इतना इजी रेसिपी है और इतना यमी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से तो ये शेयर करना बनता ही है। ये देखिए ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर में आ रहा है, हमें बस इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। थोड़ा सा हमें और फ्राई करना है फिर ये हमारा बन जाएगा। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप ये ट्राई कीजिए। कभी कोई गेस्ट आ गए या फिर कभी आपको मूड नहीं है कुछ बनाने का, ये इजी रेसिपी आप बना सकते हैं। देखिए कितना यमी लग रहा है।